आप देख रहे हैं आगामी जो हमारे लोकसभा का निर्वाचन होने वाला है उसी की तैयारियों के मद्देनजर आज हमने यहाँ पर जो है एक बैठक बुलाई है। हमारे समस्त PLO और जो सुपरवाइजर्स हैं वो यहाँ पर हैं इस समय, और एक खास जो फोकस है हमारा वो है कि मसूरी में देखा गया था कि पिछले विधानसभा जो चुनाव हुए थे 2022 के और लोकसभा चुनाव जो हुए थे 2019 में, उसमें मतदान प्रतिशत कुछ हमारे यहाँ कम रहा था। पर्टिकुलरली जो हमारे ऐसे बूथ थे जहाँ पे 50% से मतदान कम रहा था, ऐसे हमारे 13 बूथ यहाँ मसूरी क्षेत्र में थे। तो हमारी विशेष फोकस जो है और चुनाव आयोग की भी विशेष फोकस भी है कि हम ऐसे जितने भी बूथ हैं जहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम था, मतदान कम हुआ था, उनको हम ऊपर की तरफ लेकर जाएं और 75% मतदान प्रतिशत का टारगेट लेकर हम चले हैं। तो उसी के मद्देनजर हम टारगेट कर रहे हैं कि कौन ऐसे सेक्शंस हैं जो उन्होंने पिछली बार मतदान नहीं किया था। उसमें एनालिसिस के बाद ये पाया गया कि जैसे होटल के जो हमारे कर्मचारी होते हैं, कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो यहाँ पर पहले रहते थे और फिर वो शिफ्ट हो गए हैं, तो उनके नाम हम लोगों ने जो परमानेंटली यहाँ से चले गए ड्यू प्रोसेस फॉलो करके उनके नाम लिस्ट से हटे हैं। जो अभी यहाँ पर निवासरत हैं वर्तमान में लोग, उनको हम प्रेरित करने के लिए अलग अलग एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग मीटिंग भी करेंगे, और हमारे जैसे मीडिया सभी हमारे मीडिया बंधुओं के भी बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हमारे पास में आए हैं कि कैसे हम इन एक्टिविटीज को बढ़ाएं। मैं आप लोगों का विशेष धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप लोग भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से भागीदार बन रहे हैं। हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो हमारे लोकप्रिय लोग हैं मसूरी के, हम उनके थ्रू भी आह्वान करेंगे कि आप लोग जो है, वर्तमान में भी ये प्रोसेस चल रही है और उनके द्वारा हम अपने अपने छोटे छोटे मतदान प्रमोट करने के लिए, हम उनको प्रेरित करने के लिए उनके वीडियो सर्कुलेट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ के भागीदार हैं, ट्रेडर एसोसिएशन हैं, टैक्सी एसोसिएशन हैं, होटल एसोसिएशन, स्कूल एसोसिएशन, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, और हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर बहुत सारे मतदाता यहाँ पर हैं, जैसे कि लबासना आए हैं, हमारी यहाँ पर अकादमी है उसके कर्मचारी भी यहाँ पर हैं, MPG कॉलेज हो गया, तमाम इंस्टीट्यूशन के जितने भी हमारे मतदाता हैं उनको हम आगे आकर मतदान आगे आकर वो करें ताकि हमारा मतदान यहाँ पर बढ़े, और इसके लिए हम प्रेरित करने के लिए कार्य योजना भी हमने तैयार की है। और सभी से हमारा अनुरोध है, सभी मसूरी वासियों से भी मेरा विशेष अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं और मतदान करें, और न ये केवल ना आपका हक है बल्कि एक आपकी जिम्मेदारी भी है ताकि एक लोकतंत्र हमारा जो है वो मजबूत हो। अपने चुनाव के जो राइट है उसको एक्सरसाइज करना वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है आप सभी का नेशन बिल्डिंग में। मैं दोबारा से आह्वान करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे मतदान दिवस पर आगे आएं और मतदान करें। जी PLO से अभी हमारे जैसे बैठे हैं यहाँ पर, वो पर्टिकुलरली वोटर्स को शपथ भी दिलवा रहे हैं, जहाँ पर जो ऐसे बूथ हैं जहाँ पर मतदान कम हुआ है वहाँ घर घर जाकर जो है सभी वोटर्स को वो जो है शपथ दिलवा रहे हैं मतदान करने के लिए और प्रेरित करने के लिए। नगर पालिका में भी अगर आप देखेंगे जो हमारे यहाँ पर वेस्ट कलेक्शन की जो गाड़ियाँ हैं या नगर पालिका के जो हमारे अन्य व्हीकल हैं उनमें भी हमने जो है जिंगल्स चलवाए हुए हैं जो मतदान करने प्रेरित करने के लिए लोगों को उसके लिए आह्वान करते हैं।